ईरान और इसराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। ईरान ने दो दिन पहले इसराइल पर 200 मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से कई इसराइल को डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। अब जगह जगह उन मिसाइलों का मलबा मिल रहा है। ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। नसरल्ला की मौत से बौखलाए ईरान ने एक के बाद एक करीब 200 मिसाइलों को इसराइल पर दाग दिया। वहीं इसराइल ने इस हमले से बचने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया, जिसमें ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। इसके बाद मिसाइलों का मलबा जमीन पर गिरता हुआ नजर आया। इस तस्वीर को देखिए, ये इसराइल के दक्षिण इलाके की तस्वीर है, जहां रेगिस्तान में मिसाइल का मलबा पड़ा हुआ मिला। ये ईरान की उस मिसाइल का मलबा है जो उसने इसराइल पर दागी थी, लेकिन इसराइल की आयरन डोम ने इसको नाकाम कर दिया। इसराइल ने ईरान की ऐसे ही कई मिसाइलों का नाम किया है। तो वहीं वेस्ट बैंक में भी मिसाइल का मलबा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इसराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन तक ईरान की नाकाम मिसाइलों का मलबा पड़ा मिला था। इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने ऐसी कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया, जिनका मलबा अब जगह जगह मिल रहा है। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसकी 90% मिसाइल लक्ष्य पर गिरी है।